और एक बार एक्सिस को देखते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें 21 अंक नीचे 8639 की डायरेक्टरी में 21 अंक नीचे है। एक दो स्टॉक्स और जोड़ लेते हैं आई थिंक इस डिस्कशन में जिनमें कल काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी जो कि मिड कैप में काफ़ी ठीक ठाक कर रहे थे। राकेश ध्यान दीजिएगा इन स्टॉक्स पे। एक सिंटेक्स आप देखिए कल ये थोड़ा सा पुल बैक मोड में आया और 7320 पे आके क्लोज हुआ। उसके बाद एक और स्टॉक वोल्टास को देखिए आई थिंक इसे मैं माइंडली बुलिश की ट्रेजेक्ट्री में रह सकता हूँ। इन दोनों में से आपके अगर पिक करना हो एक आप देखिए एक जुबिलेंट फूड्स हो गया एक सिंटेक्स हो गया एक वोल्टास हो गया इनमें से अगर कुछ पिक करना हो तो क्या पिक करेंगे आप? ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुए थे स्टॉक्स। देखिए वीरेंद्र सिंटेक्स को तो बिल्कुल पिक नहीं करेंगे, वोल्टास को इनफैक्ट नीचे पिक किया था, ऊपर मेरा ऐसा मानना है 374 375 के अराउंड मुनाफे को बांधना चाहिए। बट जुबिलेंट फूड वर्क जिसका आपने जिक्र करा उसको डेफिनेटली पिक करना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह की मार्केट में एक डिफेंसिव बेट ये साबित हो सकता है। नीचे में 1165 के अराउंड डबल बॉटम लगा हुआ और एक अच्छी रैली टूवर्ड्स 1275 1276 देखने को मिल सकती है। और जैसे थोड़ी देर पहले आशीष ने भी मेंशन करा था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी बेहतरीन लगता है। मुझे लगता है आज के मार्केट में जहां सिंगापुर निफ्टी एक खराब संकेत देख रहा है दे रहा है ये स्टॉक एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल लगता है। जुबिलेंट फूड पर मेरा ऐसा मानना है नज़र रखनी चाहिए। जी कल मेटल स्टॉक्स भी शाइन कर रहे थे और ज्यादातर स्टॉक्स में अच्छे बाइंग इंटरेस्ट देखे गए थे, लेकिन हिंडाल्को पर एक कमेंट ले लेते हैं क्योंकि अच्छा मूव कल के सेशन में भी देखा है। और अगर आप जून की शुरुआत से ही देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक चल चुका है। 100 रुपीज का शेयर 154 पर आ चुका है। कल भी 6.5% बढ़कर बंद हुआ और जून क्वार्टर के जो अर्निंग्स आए थे उसमें हमने देखा था कि एक्सेलेंट नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर, लेकिन इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट अभी भी कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। मिस्टर सेठी आप एक कमेंट्स क्या है हिंडाल्को पर इतने स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद, प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए शेयर भी? नहीं दीपाली, मेरा ये मानना है हिंडाल्को के नतीजे बेहद ही शानदार थे और उसके बाद हमने एक अच्छा रनअप जरूर देखा है, बट अभी भी स्टीम लेफ्ट है इस स्टॉक में। और आज जहां तक मुझे याद आता है इसकी जो सब्सिडियरी है नोवेलिस उसके कुछ फंड रेजिंग के प्लान्स है यूएस में, तो वो भी एक डेफिनेटली पॉजिटिव रूप से देखा जाना चाहिए इस स्टॉक के लिए। और जिस तरह के नतीजे आए और जिस तरह का एक मोमेंटम है मेटल स्टॉक्स में, मुझे लगता है हिंडाल्को में अभी भी बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी और यहाँ से कुछ और अपसाइड्स देखे जा सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है हिंडाल्को। कल 6.5% के गेंस के साथ ये शेयर बंद हुआ था। कुछ और स्टॉक्स जो कि खबरों में है उनमें आईसीआईसीआई बैंक पर खबर है, टेमासेक ने एक कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है और कुल $2 करोड़ में ये पूरा सौदा हो सकता है। इकरा पर भी न्यूज फ्लो है, इकरा टेक्नो में हिस्सा बिक्री के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मांगा है। इस स्टॉक पर फोकस करें, कल 0.1% बढ़ा था। और एक आप देखें वक्रांगी सॉफ्टवेयर को, क्रेडिट स्विस ने 40 लाख शेयर खरीदे हैं और ₹173.80 प्रति शेयर के भाव पर हिस्सेदारी खरीदी गई है। हालांकि पॉजिटिव खबर है स्टॉक, हालांकि कल थोड़ा सॉफ्ट होकर क्लोज हुआ था 3.25% की कमजोरी के साथ। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी की, यानी दो स्टॉक ऑप्शन जिन पर आज आप पोजिशन बना सकते हैं। वीरेंद्र बताइए कौन से दो स्टॉक्स है? जी हम देखिए इस वक्त बाजार अब थोड़ा सा रिस्की हो ही गया है, लेकिन रिस्क को आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं ऑप्शंस के जरिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत चल चुके हैं, लेट्स टेक केन इंडिया। आज ही हमारे साथ जो स्ट्रेटजी शेयर की गई है केन इंडिया एलकेपी सिक्योरिटीज ने, देखिए कल इसने 200 को स्ट्राइक किया। क्या स्टॉक कहाँ से कहाँ हो गया और क्या हो गया? अभी भी मोमेंटम है, नो डाउट अभी भी मोमेंटम है, लेकिन रिस्की हो गया है। तो इसको आप ऑप्शंस के जरिए खेलिए। यहाँ पर 205 की जो कॉल है आपको खरीदनी है और लगभग 6.5 रुपये के रक्षा के लिए 2 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलना है आपको। ध्यान रखिए इसमें आपको ना थोड़ा जो आपका बिलीफ है ना वो खत्म हो रहा होगा धीरे धीरे कि नहीं बॉस आज ही अब नहीं चलेगा बस। लेकिन ये रोज़ आपको रॉन्ग प्रूव कर रहा है, तो हमें रॉन्ग प्रूव नहीं होना है। इसमें आप एक 205 की कॉल पकड़ के चलिए 6.5 रुपये के लक्ष्य के लिए। उसके बाद दूसरा ट्रेड है वो टाटा स्टील पे, यहाँ पे खरीदारी संभव है। 380 क्लस्टर में कारोबार कर रहा है, 1% बढ़ के बंद हुआ। यहाँ पे 390 की कॉल लगभग 5.5 रुपये में, यानी स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल खरीदनी है लगभग 9.5 रुपये के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 3.5 रुपये के लेके चलना है आपको। आई थिंक मैं केन इंडिया पे डेफिनेटली बात करना चाहूँगा। आशीष दिवाली ने कुछ देर पहले जिक्र किया था हिंडाल्को का मोमेंटम स्टॉक, क्या 65 रुपये का स्टॉक आज की तारीख में 155 हो गया, एंड सेम इज द केस विद केन एज वेल। इस पर आपके नेट टारगेट्स क्या होंगे आशीष? देखिए केन इंडिया में डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बना रहेगा और इसके साथ ही मुझे लगता है वेदांता ये एक स्टॉक
काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं, तो दोनों के अंदर मुझे लगता है कि केन के अंदर में अपसाइड जो है वो कम से कम 215 तक के देखने को मिल सकती है। ऑन डाउन साइड 196-197 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, जो कि बेसिकली कल का लो है। और यहाँ पे मेरा मानना है कि अगर से कल के लोज नहीं ब्रीच होते तो 3-5% की बढ़त शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। वेदांता के अंदर में कल 170 के लेवल्स हमें देखने को मिले और वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे पिकअप हुए, तो यहाँ मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 180-182 तक का अपसाइड दिखाने का। 167 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन वेदांता के अंदर भी मैं रिकमेंड करता हूं। जी, इसके अलावा जस्ट डायल शायद आज सॉफ्टनेस के साथ कामकाज करे, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं मार्केट क्लोजिंग के बाद वो डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। रेवेन्यू और मार्जिन फ्रंट पर नंबर्स ने एस्टिमेट्स को मिस किया है। मार्जिन इंक्रीज दिखाया कंपनी के रेवेन्यूज में 6% के आसपास का, लेकिन अगर आप एबिटा मार्जिन और एबिटा ग्रोथ देखेंगे तो एबिटा कंपनी का करीब 35% घटा है और एबिटा मार्जिन भी श्रिंक हुए हैं 27% से गिरकर ये 16.5% के आसपास रहे। और अगर स्टॉक आप देखेंगे तो 850-900 के लेवल से ये कंसिस्टेंट करेक्ट हो भी रहा है, 485 पर कल बंद हुआ। आपके कमेंट्स क्या हैं राकेश जस्ट डायल पर? देखिए दीपाली, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है जस्ट डायल का, बिल्कुल भी मैं खरीदारी की राय नहीं दूंगा, उछाल पे निकलने की कोशिश ही करनी चाहिए स्टॉक से। कोई और स्टॉक्स रिकमेंड करना चाहेंगे आप राकेश? बिल्कुल वीरेंद्र, जुबिलेंट फूड को ऑलरेडी रिकमेंड करा, एक कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी बेहतरीन लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। अगर हम देखें तो एक कंसेंसस है कि बैंक निफ्टी एक अच्छा लगता है टेक्निकली, कोटक बैंक को बाय करना चाहिए 756 के स्टॉप लॉस के साथ 793 के टारगेट के लिए। और दूसरा भारत फोर्ज को भी बाय करने की राय दूंगा 799 के स्टॉप लॉस के साथ 892 के टारगेट के लिए। जी आशीष, एक अदानी पोर्ट्स पर आप क्या नेक्स्ट टारगेट्स देख रहे हैं? बीता पूरा हफ्ता ये स्टॉक एक्टिव रहा, डेरिवेटिव्स में भी कंसिस्टेंट गेन किया और कल भी आप देखें 6% के स्ट्रॉन्ग सर्च के साथ क्लोज हुआ है, नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर? दीपाली, मेरा मानना है स्टॉक के अंदर में 10% की बढ़त और देखने को मिल सकती है, 295 से 300 के लेवल्स जो है मुझे लगता है इसके अंदर आराम से देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड में मेरा मानना है कि इसको थोड़ा पोजिशनली आपको 264 का एक स्टॉप लॉस रख के ये लॉन्ग पोजिशन जो है वो कैरी करनी होगी। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जिनमें कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। आप शायद पावर ग्रिड को तो भूल ही गए, पावर ग्रिड जिसने कल सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी लिखी, पावर ग्रिड हो गया, फिर आप देखिए कल NTPC, कल आप देखिए CESC के प्राइस बिहेवियर को, पावर ग्रिड अगर आप देखें अंतिम दौर में आके थोड़ा सा ट्रिम हो गया था, NTPC ऑलमोस्ट डे हाई पे 161.35 पे। आप एक बार CESC को भी देखिए आशीष, आई थिंक दे आर ऑल पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, और किस तरीके से इन्होंने सुबह एग्जैक्टली एक इंप्रेशन दिया था कि बॉस हम डिलीवर करेंगे आज। अगर पावर ग्रिड के मैं आखिरी के एक घंटे को बिहेवियर को छोड़ दूँ तो शायद थोड़ा सा मायूस करने वाला था, बाकी सब ठीक ठाक लग रहा था। स्ट्रक्चर वाइज अगर किसी पावर स्टॉक पे दाव लगाना हो तो आप किस पे दाव लगाएंगे इस वक्त? देखिए अगर से PSU स्पेस में प्ले करना होगा तो मैं NTPC के ऊपर दाव लगाने के बारे में कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है और अभी तक के बहुत स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है पावर ग्रिड के कंपेरिजन में, तो मुझे लगता है नेक्स्ट राउंड जो है वो 175-180 तक के लेवल जो है NTPC में देखने को मिल सकते हैं। ऑन डाउन साइड भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, 155 के स्टॉप लॉस के साथ में ही पोजिशन बनाई जा सकती है। प्राइवेट स्पेस में मेरा मानना है CSC काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक मेजर ब्रेकआउट है 650 के ऊपर, वॉल्यूम्स काफी अच्छे पार्टिसिपेट हो रहे हैं, 710-711 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, 635 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। विकास जी, पावर स्पेस में आपका इंटरेस्ट है, आपका कोई स्टॉक पसंदीदा इस स्पेस में? बिल्कुल देवेंद्र, मैं भी CSC मुझे पसंद है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन लेवल्स पे CSC बहुत अच्छा लग रहा है, इवन इन द शॉर्ट टर्म यहाँ से बिल्कुल अपसाइड देखे जाने चाहिए। और कल जो एक पावर ग्रिड के भी बेहतरीन नतीजों के बाद जो गिरावट आई है वो भी एक बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है, सो आई वुड गो विद बोथ CSC एंड पावर ग्रिड। तो CESC और पावर ग्रिड, ये दोनों स्टॉक्स पर कन्विक्शन है मिस्टर सेठी का भी। सुमित, सीमेंट स्टॉक्स में कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आज के लिए आइडेंटिफाई की है, कीपिंग इन माइंड कि हाल ही के सॉफ्टनेस के बाद वापस कल एक अच्छा बाउंस बैक सीमेंट स्टॉक्स में दिखा था, ACC, अंबुजा, प्रिज्म सीमेंट, JK सीमेंट, ये सभी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, कोई ट्रेड आप पिक करेंगे यहां से आज के लिए? यस एब्सोल्युटली दीपाली, आई थिंक अंबुजा सीमेंट में एक मूव हमको देखने को मिला है, लास्ट टू डेज में स्टॉक 259 से 269 तक आ चुका है, इमीडिएटली अगर हम देखेंगे तो 275 का इसका पहला पड़ाव बनेगा और एक बार ये 275 का लेवल ब्रेक करता है तो हमको 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक इमीडिएटली जब तक अभी दोबारा 260 के नीचे नहीं जाता है तब तक प्रेजेंट लेवल पे भी इसमें बाय बनेगा और प्रेजेंट लेवल से अगर 3-4 रुपए की कोई वॉलेटिलिटी के चलते करेक्शन मिल जाती है तो अच्छा बाय बनेगा, स्टॉप लॉस 260, टारगेट सबसे पहले 275, उसके बाद 290।